हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं लेके आई हूँ वीडियो, जिसमें मैं बताने जा रही हूँ ये कॉलर वाला नेक हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये जो है मैंने छोटे बच्चों के लिए बनाया हुआ है, और सेम इसमें जो है बड़े बच्चों के लिए बना सकते हैं। तो मैं आपको फंदे जो है साथ साथ में बताती जाऊँगी। तो बहुत ही प्यारा ये जो है कॉलर नेक बन के तैयार होता है। और ये जो कॉलर हमने तैयार किया है, अब ये इससे हम टॉप डाउन, मतलब यहाँ से कॉलर को बनाने से शुरू किया है, और हम बिल्कुल अब टॉप डाउन जाते टॉप से डाउन जाएंगे और वैसी एक बेबी कार्डिगन को तैयार करेंगे। तो ये टॉप डाउन प्रोजेक्ट है, गले से शुरू होने वाला। तो गले से शुरू करने से पहले मैंने इसका नेक बनाया है, तो ये नेक से शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जो है मैंने एक बटन होल लगा के जो है यहाँ पे एक बटन लगा के आपको बताया है कि ये जब हम नीचे बनाना शुरू करेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे और इस तरीके से नीचे को बुनना शुरू करेंगे। तो ये जो है बनाना बहुत ही आसान है, और ये मैंने जो है 10 नंबर की नीडल पर ही बनाया हुआ है, जिस पर मैं सारा का सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँगी। तो सारा प्रोजेक्ट यहाँ कॉलर से हम 10 नंबर की नीडल पर ही शुरू करेंगे। और ये जो वूल है, ये जो है गंगा की वूल है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी इसकी सारी डिटेल। तो स्ट्रेट नीडल्स पर बनाएंगे इसे 10 नंबर की सिलाई पे, और धागा भी मैंने 10 नंबर वाली नीडल पर चलने पर वाला ही यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं खोल देती हूँ इसे और फिर आपको बता देती हूँ, तो आपको ये इजी से पता चल जाएगा। तो ये देखें, ये कॉलर है, और ये कॉलर जो है हम शुरू करेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ से पार्ट है, ये जो हमने इसे इस तरीके से मोड़ दिया है, ये यहाँ से शुरू करेंगे हम और ये यहाँ पर एंड करेंगे। तो ये जो है हम अब वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से हमें ये बनाना है। तो इस कॉलर के भी दो पार्ट्स हैं। देखिए, अपने जो एजिस पर रखा है वो ये रखा हुआ है इस तरीके से, ये डबल बॉर्डर बना के, और उसके बाद जो है ये यहाँ पे हमने शेप दी है कॉलर की दोनों कॉर्नर पे। तो पहले हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, और यहाँ पे जितने फंदे रखे हैं मैंने इस कॉलर के लिए, उतने ही जो है मैं आपको बना के बता रही हूँ। तो ये रखे हैं मैंने 98, तो मैं 98 स्टिचेस जो है कास्ट ऑन करने जा रही हूँ। तो अगर हम प्रोजेक्ट लेते हैं, धागा लेते हैं, तो यहाँ पे मैंने जो है ली है ये बेबी सॉफ्ट वूल। और देखिए, अब जो हम काम करेंगे सबसे पहले फंदे कास्ट ऑन करने के, तो फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। अब हमने ये लाइट जो है कलर लिया है, तो इसके लिए हम कास्ट ऑन करेंगे डार्क के साथ। और ये क्यों करेंगे ये बाद में आपको समझ आ जाएगा। तो पहली सिलाई में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से इस तरीके से 98 स्टिचेस को कास्ट ऑन करेंगे, ऐसे बिल्कुल हल्के हाथ से, बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, क्योंकि ये धागा जो है हम बाद में खोल देंगे। सिर्फ हमने थोड़ा सा इसे लगाना है, ताकि हमें जो येलो के साथ स्टिचेस बनेंगे वो क्लियर नज़र आए, वो मैं साथ साथ में आपको बताऊंगी। तो ये जो है इस तरीके से करते हुए मैं 98 लूज स्टिचेस डाल दूंगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने 98 जो है स्टिचेस कास्ट ऑन कर दिए हैं बिल्कुल। और अब जो है हम शुरू करेंगे अपनी मेन वूल से। ये देखिए, यहाँ पे जो है इसका रफ यूज़ है इस वूल का। तो आपके पास अगर कोई बची हुई रफ वूल है या वेस्ट वूल है, तो आप थोड़ी सी भी हो तो वो चलेगी। हमें इतनी ही चाहिए जितनी कास्ट ऑन हमने यहाँ पे करी हुई है। तो आपके पास कोई बची हुई फालतू की ऊन है तो आप उसे इस यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप नई वूल यहाँ पे नहीं लगाना चाहते हैं तो। तो अब हम जो है यहाँ पे अपना ये धागा ले लेंगे मेन, और इसे यहाँ पे जोड़ना नहीं है, यहाँ से हम इसे बुनना शुरू करेंगे। तो हम इसे यहाँ पे ऐसे सीधा सीधा बुनते जाएंगे, पहली सिलाई इस तरीके से सीधी सीधी बना लेंगे ऐसे।
तो ये सारे 98 स्टिचेस जो हैं यहाँ तक मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ। और उसके बाद देखिए उल्टी साइड से हम उल्टा बुनेंगे, सीधी साइड से सीधा फिर उल्टा। तो इस तरीके से चार सिलाइयाँ जो हैं हमने स्टॉकिनेट स्टिचेस की बुननी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चार सिलाइयाँ जो हैं मैंने बना ली हैं इस तरीके से सीधी सीधी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी। आप देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा स्लिप करेंगे, ये फिफ्थ रो है। और आप देखिए हमने क्या करना है, एक बार धागा आगे करेंगे इस तरीके से, जाली डालेंगे, उसके बाद दो का एक करेंगे ऐसे। तो अब यही दो फंदे, एक जाली और दो का एक, ये हम इस सिलाई के एंड तक रिपीट करेंगे ऐसे, एक जाली और दो का एक इस तरीके से, एक जाली दो का एक। तो ये एंड तक हम यहाँ पे करेंगे। और उसके बाद देखिए चार सिलाइयाँ हमने और ऐसी ऐसी ही बनानी है, सीधी साइड से सीधी सीधी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी। तो इस सिलाई के बाद जो नेक्स्ट सिलाई आएगी उसे हम उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए ये हमारी 9 सिलाइयाँ इस तरीके से यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर ली हैं। पहले चार सिलाइयाँ बनाई हैं, उसके बाद पाँचवीं सिलाई पर फ्रंट साइड पर ये जाली बनाई है हमने, और उसके बाद चार सिलाइयाँ और बनाई हैं। तो सीधी साइड से सीधी सीधी और उल्टी साइड से उल्टी उल्टी हमने ये 9 सिलाइयाँ इस तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। और अब जो है हम रॉन्ग साइड की तरफ मुड़ जाएंगे। अब हमने क्या करना है, देखिए अब हम ये इस तरीके से ऊपर जो फंदा है बिल्कुल उसी फंदे को हमने बेस पर से उठाते जाना है और दो का एक करते जाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ये फंदों को थोड़ा खींच लिया है ताकि ये क्लियर नज़र आए। तो ये देखिए जो पहला फंदा है वो इसके साथ बनेगा, नेक्स्ट इसके साथ बनेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये इस तरीके से चलता जाएगा। तो पहला फंदा जो है हमने बिल्कुल ध्यान से उठाना है, हल्का सा हम ये धागा जो है खींच लेंगे तो हमें पहला नज़र आता है। और अब देखिए हम कैसे जोड़ते जाएंगे। अब इस धागे को जो है हमने सिलाई में बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान से बुनेंगे ये वाली सिलाई। अगर आप पहली बार ये बुन रहे हैं तो, क्योंकि ये धागा जो है हम फिर खींच के निकाल देंगे। तो अब हमने कैसे जोड़ना है, पहला एक फंदा हमने यहाँ से ले लिया इस सिलाई से। अब इसी के बिल्कुल ठीक नीचे से ये वाला हमें फंदा नज़र आ रहा है, ये हम ऐसे उठा लेंगे। और अब जो है हमने इन्हें साथ में बुन देना है। तो हम यहाँ पे दो का एक ऐसे करेंगे, उल्टा बुनेंगे सारी सिलाई और फिर से करेंगे ऐसे, यहाँ से एक फंदा लेते जाएंगे और उसके ठीक नीचे से देखिए ये सेकंड हमें नज़र आएगा, ये हम उठाते जाएंगे। कोई भी स्टिच जो है हमने यहाँ छोड़ना नहीं है और सभी फंदों को हम इस तरीके से उठाते जाएंगे एक के बाद एक ध्यान से देखते हुए। तो तीसरा हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से भी तीसरा ले लेंगे ऐसे। तो आप इसे देखिए बिल्कुल चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारे से यहाँ फंदा जो है वो छूटना नहीं चाहिए इस साइड ऐसे। अब ये वाला हमने उठाया, इसके नेक्स्ट ये वाला है, ये उठा लेंगे ऐसे, दोनों को साथ में बुन देंगे ऐसे ले लेंगे। ये देखिए ये जो फंदे हैं ये काला धागा हमने इसलिए लगाया ताकि ये बिल्कुल हमें क्लियर नज़र आए। अगर आप डार्क लगा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पर तो आप यहाँ पे जो है वाइट कलर या क्रीम कलर का धागा यूज़ कर सकते हैं तो उसमें भी क्लियर नज़र आ जाता है। तो ये ऐसे, तो ये वाली सिलाई हमारी बिल्कुल आसान है। एक फंदा यहाँ से उठाते जाएंगे और उसके नेक्स्ट उसके बेस वाला फंदा हम यहाँ से उठाते जाएंगे और दोनों को साथ में जोड़ते जाएंगे ऐसे। तो ये देखिए इस साइड से ऐसे नज़र आ रहा है और ये ऐसे बनता जाएगा। तो ये अब हम एंड तक जो है इसी तरीके से इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है मैंने एंड तक कर लिए हैं कनेक्ट, और ये इस तरीके से देखिए ये अब हम फ्रंट पे रखेंगे। और अब जो है हम इस धागे को निकाल देंगे तो ये इजीली जहाँ से आपको लगे इजीली निकल जाएगा वहाँ से आप इसे निकालते जाएं। तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो इसीलिए हमने जो है ये
बिल्कुल सिंपल तरीके से कास्ट ऑन किया था ताकि ये इस तरीके से फटाफट हम इसे निकाल लें। तो ये पूरा निकाल लेना है इस तरीके से। और इसके बाद जो है हम दो सिलाइयाँ बनाएंगे दोनों तरफ से सीधी सीधी। तो पहले ये फ्रंट साइड है और इस पर हम एक सीधी सिलाई बनाएंगे ऐसे। एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे फंदे हम ऐसे सीधे सीधे बुनेंगे और इसी तरीके की एक और सिलाई हम रॉन्ग साइड पे बनाएंगे। दो सीधी सीधी सिलाइयाँ इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने दो सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बना ली हैं और ये हमारा जो है डबल बॉर्डर, ये इस तरीके से एजेस वाला डबल बॉर्डर जो है वो बन के तैयार हो चुका है। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इस तरीके का बॉर्डर डालना चाहते हैं तो आप वीडियो की हेल्प से डाल सकते हैं। और अब जो ये साइड है ये मैंने फ्रंट साइड रखी हुई है और इसलिए यहाँ पे लगा लिया है ये मार्कर, मैंने पेन लगा ली है ताकि मुझे ध्यान रहे कि ये फ्रंट साइड पे है, ये साइड फ्रंट है। और अब फ्रंट साइड पे हम बनाएंगे अब 13वीं सिलाई। तो यहाँ से हम रो वन स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ से हम जो है कॉलर को शेप देना शुरू कर देंगे। तो ये हमारी इस बॉर्डर के बाद रो वन है। तो अब देखिए पहले हम एक फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद 11 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 11 और एक हमने स्लिप किया था। तो 12 फंदे हमने ऐसे कर लिए हैं और यहाँ पे अब हम 2 का 1 करेंगे ऐसे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है 14 फंदे रखे थे जिसमें हमने 2 का 1 यहाँ पे किया है। अब हमारे पास 13 फंदे हैं और अब यहाँ पे हम लगा लेंगे मार्कर, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप मार्क करके लिए यूज़ कर सकते हैं, मार्कर है तो उसे लगा लीजिए। तो मेरे पास ये पेंस है तो मैं इसे मार्कर के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। तो हमने डिवाइड इस तरीके से करने हैं आप इस रो में फंदे कि 14 फंदे यहाँ के लिए रखे हैं हमने और इसी तरीके से इस कॉर्नर पर भी 14 फंदे रखेंगे, बीच में हमारे जितने फंदे हैं वो ऐसे ही रखेंगे। तो अब देखिए हमने यहाँ पे 12 फंदे एक स्लिप किया, 11 फंदे सीधे बुने, फिर 2 का 1 किया और अब यहाँ पे ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे हम शुरू में और एंड में 2 का 1 करेंगे। तो शुरू में हम 2 का 1 करेंगे और उसके बाद जितने भी फंदे हैं बीच में सारे के सारे हमने सीधे बुनने हैं। तो ये बीच वाले सारे फंदे में सीधे बुन लेती हूँ, फिर यहाँ पे मैं 14 फंदों से पहले 2 का 1 कैसे करना है वो बताऊंगी। और ये मार्कर देखिए आपको यूज़ होगा आपको रिमाइंड कराने में कि हमने जितने भी फंदे इस तरीके से घटाने हैं, जैसे कि 2 फंदे देखिए हमने घटाए हैं, एक हमने मार्कर से इस साइड घटाया है, एक यहाँ पे घटाया है। तो ये जो है हमने फ्रंट साइड पे ही घटाने हैं, रॉन्ग साइड पे नहीं करने, तो आपको मार्कर हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 फंदे हैं एंड में और यहाँ पे हमने यहाँ तक सारे फंदे बुन लिए हैं सीधे सीधे। अब देखिए ये बीच का जो पार्ट है हमारा, इसके लास्ट के 2 फंदे हैं, यहाँ पे हमने इस तरीके से 2 का 1 करके 1 फंदा घटा लेना है और अब यहाँ पे भी हम 1 मार्कर लगा लेंगे। और ये देखिए अब हमारे क्लियर जो है वो दिख रहा है, ये शुरू के हमारे फंदे हैं, फिर ये सारे बीच के हैं और ये लास्ट के 14 फंदे हैं। तो अब ये 14 फंदे लास्ट वाले हम कैसे बनाएंगे देखिए। तो ये 2 का 1 करेंगे यहाँ पे हम ऐसे 2 का 1 किया। तो इस सिलाई में हमने टोटल जो है 4 फंदे घटा लिए हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे देखिए। तो अब देखिए हमने 2 का 1 किया लास्ट के 14 फंदों पे, शुरू में 2 का 1 किया, फिर 2 फंदे हम बुनेंगे ऐसे सीधे। तो अब 2 फंदे सीधे बुनेंगे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे कितने रह गए, 2, 4, 6, 8, 10 10 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ से हम जो है मुड़ जाएंगे रॉन्ग साइड की तरफ, अब हम जो है यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो जब हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे तो ये जो फंदा है पहला फंदा आएगा ये, इसे हम स्लिप करेंगे ऐसे और ऐसे खींच लेंगे। जब हम खींच लेंगे इस धागे को ऐसे, तो ये देखिए पीछे हम इस तरीके से लगा लेंगे।
तो यहाँ पे ये दो फंदे नजर आते हैं, ये दो नहीं है, ये एक ही है, ये हमने खींच के पीछे किया है। यहाँ पे जो है हाथ को टाइट रखना है, बिल्कुल खींच लेना है। इसके बाद देखिए हमने ये सारी सिलाई जो है अब इस मार्कर तक जो है सीधी सीधी बुन लेनी है। तो ऐसे दो फंदे बुने, फिर मार्कर लगाएंगे हम और फिर बीच के सारे फंदे जो है, बीच वाला जो पार्ट है इसमें जितने फंदे वो सीधे बुन लेते हैं। तो ये मार्कर से ठीक पहले तक मैंने बुन लिया है। अब हम ये मार्कर यहाँ से निकाल के यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। और अब देखिए हमें क्या करना है, इस साइड हमारे पास 13 फंदे हैं जिनमें से 3 फंदे हम बुन लेंगे, 1 2 3, 3 फंदे बुन लिए। अब हम यहाँ पे 10 फंदे हैं, 2 4 6 8 10, इन्हें छोड़ देंगे और मुड़ जाएंगे यहाँ से। तो ये हमारी दो सिलाइयाँ हमने कंप्लीट की हैं और जिस तरीके से ये वाली दो सिलाइयाँ बनाई हैं वैसे ही हम बनाएंगे। तो ये मैं पूरा आपको बना के बताऊंगी। तो अब देखिए हमें क्या करना है, ये पहला फंदा स्लिप करेंगे, इसे भी खींच लेंगे पीछे की ओर, कर लेंगे धागा ऐसे। देखिए ये हमने स्लिप किया, इसे खींच लेंगे ऐसे और पीछे की ओर कर लेंगे ऐसे। तो जब हम पीछे की ओर करेंगे तो ये देखिए दो नजर आते हैं लेकिन ये एक ही है, और इसे आगे हम कैसे बुनेंगे वो आप देखेंगे। तो अब यहाँ पे दो का एक करेंगे हम, फ्रंट साइड पे ही हमने फंदे कम करने हैं, तो एक मार्कर के इस साइड करेंगे और एक हम इस साइड करेंगे। तो बीच वाले पार्ट के भी हम ऐसे डिक्रीज करते जाएंगे ऐसे, और इसके बाद ये सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेते हैं बीच के पार्ट के, फिर मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे पहुँच के दो फंदे हम यहाँ पे फिर से इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, और यहाँ पे एक फंदा घटा देंगे, उसके बाद मार्कर शिफ्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे भी दो का एक करेंगे। तो ये फ्रंट साइड पे हम हर बार डिक्रीज करेंगे। और अब देखिए ये वो वाले फंदे हैं जो हमने खींच के किए थे, तो ये दो नज़र आ रहे हैं लेकिन है एक ही। तो हम इस तरीके से इसमें सिलाई डालेंगे देखिए, और यहाँ इसे बुनेंगे सीधा। अब हम यहाँ पे एक फंदा ले लेंगे, तो अब एक एक करके हम यहाँ इस साइड के फंदे लेते जाएंगे, ये हम दोनों तरफ करेंगे। तो अब यहाँ पे कितने रह जाएंगे देखिए, 2 4 6 8 और 9। तो अब हम यहाँ पे 9 फंदों को छोड़ के टर्न हो जाएंगे, और अब हम पहला फंदा करेंगे स्लिप और इसे फिर खींच के हम पीछे को ऐसे कर लेंगे देखिए, जैसे हमने पहले किया। फिर उसके बाद सारे के सारे फंदे जो हैं वो हम सीधे बुनेंगे इस सिलाई में, जितने भी फंदे हैं। तो जहाँ पे मार्कर है वहाँ पे मार्कर लगा के ही रखेंगे। तो ये सिलाई भी हम रॉन्ग साइड पे हमने कुछ नहीं करना है, हमने पूरी की पूरी सिलाई जो है वो सीधी सीधी बुननी है इस तरीके से। तो ये हम यहाँ पे यहाँ तक बुन लेते हैं जहाँ पे हमने ये शुरू किया था। तो मार्कर तक मैंने बुन लिया है सीधा, मार्कर शिफ्ट कर लिया है। ये दो फंदे जो हमने बुने थे पहले उनमें, इन्हें दोनों को बुन लेंगे पहला ये, और ये दो नज़र आ रहे हैं, ये पहला फंदा है जो हमने स्लिप करके खींच के जो है पीछे की ओर धागा किया था, इसे भी हम ऐसे सीधा बुन लेंगे। और अब इस साइड से हम एक फंदा और ले लेंगे ऐसे। तो अब देखिए 2 4 6 8 9, तो इस साइड भी 9 फंदे रह जाते हैं, तो ये 9 फंदे छोड़ देंगे, अब घूम जाएंगे हम और अब बनाएंगे पांचवी सिलाई। तो अभी तक देखिए 4 सिलाइयां हमने बनाई हैं, अब बनाएंगे पांचवी सिलाई फ्रंट साइड पे। तो ये हम फिर से खींच लेंगे, तो हम जैसे खींचते हैं ये खुद ब खुद धागा पीछे चला जाता है ऐसे। और अब हम दो का एक करेंगे ऐसे, फिर मार्कर शिफ्ट करके मार्कर के जो दूसरी साइड है वहां पे भी दो का एक करेंगे। फिर ये सारी सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे मार्कर से दो फंदे पहले तक यहाँ तक। तो एंड पे हम आ गए हैं देखिए, और ये दो फंदे पहले, तो मार्कर के इस साइड के दो फंदों को साथ में बुनेंगे ऐसे, और इस साइड भी दो का एक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब हम पहुँच के यहाँ से शुरू करते हैं ये डिक्रीज करना, तो यहाँ पे हाथ हल्का सा टाइट ही रखना है। और ये वो वाला फंदा है जो हमने खींच के स्लिप किया था, स्लिप करके खींचा था, तो इसे हम बुनेंगे सीधा ऐसे।
और उसके बाद अब एक फंदा हम यहाँ से और ले लेंगे ऐसे, तो अब यहाँ पे जो है 8 फंदे रह जाएंगे। अब इन 8 फंदों को छोड़ दीजिए टर्न और रॉन्ग साइड पे। अब हम पहला फंदा स्लिप कर रहे हैं और ये धागा हमने खींच लिया, पीछे लगा लिया। अब सारी सिलाई हम बुनेंगे सीधी सीधी। तो ये 6 रो है, इसे हम पूरा बुन लेते हैं। तो जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ पे हम पहुँच गए हैं रो 6 के एंड पर। और अब हम यहाँ इस साइड से एक फंदा ले लेंगे बुनते हुए, और ये 2, 4, 6, 8 इन्हें छोड़ देंगे, मुड़ जाएंगे। अब ये फंदा पहला फंदा करेंगे स्लिप और खींच के पीछे को कर लेंगे, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, फिर मार्कर, फिर से 2 का 1। अब ये फंदे हम पूरे बुन लेते हैं मार्कर के 2 फंदों पहले तक। तो ये पहुंच गए हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे ऐसे, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब ये वो वाला फंदा है जिसे हमने खींचा था, पहला फंदा सीधा बुन लिया। अब इस बार फिर से हम एक फंदा यहाँ से ले लेंगे, हर बार एक एक फंदा आता जाएगा, तो ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने 7 फंदे रह गए, तो अब इन्हें छोड़ दीजिए, मुड़ जाइए। और ये वाली पूरी सिलाई जो है जहाँ से हमने शुरू की थी 7वीं सिलाई, यहाँ तक हम पूरी सीधी सीधी बना लेंगे। तो ये एंड में आ गई हूँ मैं, यहाँ पे मार्कर के इस साइड 2 फंदे हैं, ये बुन लेते हैं हम ऐसे। और अब यहाँ से एक फंदा ले लेंगे, ये लीजिए। अब यहाँ पे 2, 4, 6, 7 ये 7 फंदे यहाँ पे भी रह जाएंगे। अब हम मुड़ जाएंगे, अब यहाँ तक हमारी जो है कॉलर को शेप देने की जो है 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए कॉलर का शेप जो है बनना शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा और रह जाता है, वो भी बना लेते हैं। तो पहला फंदा फिर से स्लिप किया, पीछे किया धागा थोड़ा सा खींच के, 2 का 1 किया यहाँ पे ऐसे, फिर से 2 का 1 करेंगे बीच वाले हिस्से से, और बीच के सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। तो ये सिलाई हम यहाँ तक बना लेते हैं। तो ये 9th रो के एंड पे आ गए हैं हम, यहाँ मार्कर के दोनों साइड 2 का 1, 2 का 1 करेंगे, ये इस हिस्से पर मार्कर शिफ्ट करेंगे, फिर से 2 का 1, और एक फंदा ये सीधा लास्ट वाला फंदा बुन लिया। अब फिर से हम यहाँ से एक फंदा ले लेंगे, ये ले लिया। अब यहाँ पे देखिए 6 फंदे रह जाते हैं, इन्हें छोड़ देंगे। अब हम 10वीं सिलाई बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप किया, धागा खींच के पीछे लगाया। अब ये वाली सारी सिलाई जो हमने जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक हमने सीधे सीधे बुन लेना है इसे। तो ये 10वीं सिलाई हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो ये 10वीं सिलाई के एंड पे आ गए हैं, मार्कर के इसे और बना लिए हैं सारे फंदे, और ये 2 फंदे इस ओर के बना लेंगे। यहाँ पे जहाँ पे 2 का 1 किया था वो वाला फंदा बुना, और ये पहला फंदा जिसे हमने खींच के पीछे की ओर किया था ये है। अब एक फंदा हम इस ओर से ले लेंगे, ये लीजिए यहाँ पे भी 6 फंदे रह जाते हैं, इन्हें छोड़ देंगे। और अब हम मुड़ जाएंगे और सेम इसी तरीके से हमने 11वीं और 12वीं सिलाई बनानी है। तो ये 11वीं सिलाई है, फ्रंट साइड है। तो अब ये पहला फंदा हम करेंगे स्लिप ऐसे, पीछे लगा लेंगे खींच के, और यहाँ पे करेंगे 2 का 1, फिर मार्कर शिफ्ट करने के बाद फिर से बीच वाले हिस्से के 2 का 1 से शुरू करेंगे, और बीच के ये सारे फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। और यहाँ पे पहुँच के मैं फिर बताऊँगी। तो ये एंड पर जो है 2 का 1 और फिर से 2 का 1, एक फंदा ये जो लास्ट वाला है इसे सीधा बुनेंगे, और अब यहाँ से एक फंदा और ले लेंगे। तो यहाँ पे 6 है, एक फंदा ले लिया, यहाँ पे 5 रह जाते हैं, तो अब हम 5 फंदों को छोड़ देंगे ऐसे। अब 12वीं सिलाई बनाएंगे, पहला फंदा खींच के हम ऐसे पीछे कर लेंगे धागे को, और उसके बाद
अब हमने सारी सिलाई जहां से हमने शुरू किया था बनाएंगे पूरी पूरी सीधी ऐसे। तो ये कर लेते हैं, जहां से हमने शुरू किया था वहां तक सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये एंड तक हमने बुन लिया है और यहाँ से अब 6 फंदों में से एक फंदा हम यहाँ से ले लेंगे ऐसे, और यहाँ पे 5 फंदे रह जाएंगे। आप छोड़ देंगे इन्हें, मुड़ेंगे हम फ्रंट साइड की तरफ और पहला फंदा स्लिप करके पीछे को खींच लेंगे ऐसे। आप 2 का एक करेंगे, ये 13वीं सिलाई है हमारी ऐसे। फिर से करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ पे थोड़ा हाथ टाइट रखिएगा, वरना यहाँ पे मार्कर की वजह से जो है वो थोड़ा सा लूज बन जाता है, तो वो हमने नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे हाथ को टाइट रखना है। अब ये वाली सिलाई हम पूरी यहाँ तक बना लेते हैं, 2 फंदों पहले तक। तो यहाँ पे 2 का एक, फिर से 2 का एक ऐसे, और ये वाला फंदा सीधा लास्ट वाला फंदा है। अब यहाँ पे देखिए 5 में से एक फंदा हम और इसमें ले लेंगे, बुन लेंगे, और यहाँ 4 फंदे छोड़ देंगे। अब तो अब हम 14वीं सिलाई बनाएंगे, पहला फंदा स्लिप करके खींच के इसे ऐसे पीछे कर लेंगे और सारी सिलाई जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक हमने सीधा सीधा बुन के कम्प्लीट कर लेना है। तो ये 14th रो हम ऐसे कम्प्लीट कर लेंगे। तो ये 14th रो के एंड पे देखिए बुन लिया है मैंने। या अब इन 5 फंदों में से एक फंदा ले लेंगे, 4 को छोड़ देंगे। अब हम फ्रंट साइड की तरफ मुड़ जाएंगे और अब बनाएंगे हम 15th रो, 15वीं सिलाई। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागे को खींच लेंगे, थोड़ा सा पीछे लगा लेंगे, 2 का एक करेंगे मार्कर के दोनों साइड ऐसे। ये हमारी 15th रो है ऐसे, और उसके बाद जो है ये सारी सिलाई हमने यहाँ तक सीधी सीधी बना लेनी है 15th रो। तो ये 15वीं सिलाई के एंड पे 2 का एक, फिर से 2 का एक फिर एक फंदा लास्ट वाला जो है वो सीधा बुनेंगे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए 4 फंदे हैं रह गए थे, इसमें से एक फंदा हम ले लेंगे, अब 3 रह जाएंगे। तो अब यहाँ से मुड़ जाएंगे, अब हम जो है 16th रो 16वीं सिलाई बनाएंगे, स्लिप किया, धागे को खींचा, पीछे की ओर किया, सारी सिलाई जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ तक हमने सारे के सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। और इस तरीके से ये 16वीं सिलाई 16th रो हमने करनी है कम्प्लीट। तो ये 16th रो के एंड पे यहाँ से हम एक फंदा ले लेंगे ऐसे, 3 फंदे रह गए, इन्हें छोड़ देंगे। अब मुड़ जाएंगे फ्रंट साइड की ओर और फिर से अब हम जो है ये सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, पीछे की ओर धागा खींच के लगा देंगे, 2 का एक करेंगे यहाँ पे मार्कर के दोनों ओर, 2 का एक, 2 फंदे घटाएंगे। और अब ये सारी सिलाई जो है हम मार्कर तक, मार्कर से पहले 2 फंदे तक यहाँ तक बुन लेते हैं। तो ये 17th रो के एंड में आ गए हैं और यहाँ पे करेंगे 2 का एक, फिर से करेंगे 2 का एक। अब ये लास्ट वाला फंदा था, इसे हम बुन लेते हैं सीधा। अब देखिए यहाँ पे 3 फंदे रह गए हैं, तो अब हम जो है अब इन्हें सीधा बुन लेते हैं। अब हम जो है टर्न नहीं करेंगे, ये सिलाई हमारी जो है शुरू, तो यहाँ से हमने शुरू किया था और अब जो है यहाँ पर हमारी ये सिलाई पूरी की पूरी हमने कंप्लीट कर ली है, और बीच में ये सारा हमने जो है बुना है। और इस तरीके से हमने ये देखें ये इसको कॉलर को शेप दी है इस तरीके से, तो ये देखिए मुड़ जाता है और ये देखिए तिरछा सा नज़र आ जाएगा इस तरीके से गोलाई में। तो ये इस तरीके से बनेगा इस साइड, और इस साइड का भी बता देती हूँ, ये देखिए
तो अब ये हमारा मेन कॉलर जो है वो हो गया है तैयार। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम इसके साथ नेक पट्टी जोड़ेंगे। तो ये कॉलर अलग से बन के तैयार हो चुका है, जिसमें हमने पहले ये डबल बॉर्डर बनाया है 12 सिलाइयों में, उसके बाद जो है ये 17 सिलाइयों में जो है हमने ये ऊपर कॉलर को शेप दिया है, कॉलर तैयार किया है। तो इसमें देखिए ये रोज़ अगर आप टोटल रोज़ काउंट करेंगे, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनती हैं, और ये हमने फ्रंट साइड पे ख़त्म किया है। तो अब देखिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे नेक बनाएंगे, इसी तरीके का नेक बनाएंगे इसी बॉर्डर में, 4 सिलाइयाँ 4 लाइंस जो हैं इस तरीके से 8 सिलाइयों में और बनाएंगे, और साथ में हम यहाँ पे जो है साइड बॉर्डर के लिए फंदे उठाएंगे और उसमें बटन होल भी आगे बनाएंगे। तो अब देखिए वही रह गया है, तो अब उसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ये हमारे पास यहाँ पे जो ये पोर्शन रह जाता है, इसमें से हम कोशिश करेंगे 3 फंदे कम से कम उठा लें। तो सबसे पहले 3 फंदे हम इसी में से उठा लेते हैं। तो सबसे पहले ये एक हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, फिर 2, ये साइड स्टिचेस जो नज़र आ रहे हैं इन्हीं पर से हम फंदे उठा रहे हैं, ये 3 हमने उठा लिए हैं। तो 3 उठाएंगे और 3 हम अलग से कास्ट ऑन करेंगे। तो हम क्रोशिया की हेल्प ले लेते हैं, तो ये ले लिया है मैंने क्रोशिया, और अब जो लास्ट हमें स्टिच नज़र आ रहा है देखिए यहाँ पे इसे डाल लेंगे, और अब ये धागा हम इस सिलाई पर ऐसे घुमा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई पर ये जो है फंदा बन जाएगा, और ये हम क्रोशिया से इस तरीके से लॉक कर लेंगे। तो ये एक फंदा हमने ऐसे बनाया, 6 और बनाएंगे, ये घुमाएंगे और ये ऐसे लॉक कर लेंगे, तीसरा ये तीसरा फंदा फिर घुमाएंगे, ये चौथा फंदा ऐसे फिर घुमाएंगे, ये पांचवा फिर घुमाएंगे, ये छठा फंदा हमने बनाया है, और जो ये लास्ट हमारे पास क्रोशिया में है इसे भी हम लगा देंगे ऐसे। तो ये हमारा 7वां फंदा इस तरीके से बन गया। तो ये देखिए, तो 3 हमने जो है इसके बॉर्डर के ऊपर से उठाए और 7 और अलग से कास्ट ऑन करिए कर लिए, जिसमें देखिए अब देखिए लास्ट में यहाँ पे हमने क्या किया था, 3 फंदे रह गए थे, उसके बाद 2 4 6 8 10 10 फंदे हमने इस तरीके से कर लिए हैं। और अब जो है हम मुड़ जाएंगे, अब ये वाली सिलाई जो है हम यहाँ तक पूरी की पूरी सीधी बुनेंगे, और फिर इसी तरीके से जो है इस साइड भी हम फंदे उठाएंगे, 3 फंदे हम इसमें से उठाएंगे बॉर्डर की साइड से, और सेम तरीके से 7 फंदे और क्रोशिया की हेल्प से उठाएंगे। तो ये सिलाई जो है मैं पूरी की पूरी इस तरीके से सीधी सीधी बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहला फंदा मैं स्लिप कर रही हूँ, उसके बाद धागा कर लेंगे हम पीछे की ओर, और अब जो है ये पहला फंदा आप बुन सकते हैं। तो ये मैंने स्लिप कर लिया है यहाँ पे, और सारी सिलाई इस तरीके से सीधी सीधी बना रही हूँ। तो ये ऐसे, तो अब जो है इस सिलाई में आके जो है आप ये जो जो मार्कर लगे हुए हैं इन्हें निकाल सकते हैं। तो ये मैंने निकाल दिए हैं, तो ये वाला भी निकाल दूंगी मैं, और यहाँ तक सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये मैं एंड में आ गई हूँ, और यहाँ पे आने के बाद देखिए हम 3 फंदे जो है उठाएंगे साइड स्टिचेस में से, ये 1, ये 2, और ये जो धागा ये वाला है इसे हम सुई की हेल्प से जो है वो अंदर की ओर कर लेंगे, बाद में कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है 3 फंदे हमने उठा लिए। अब क्रोचे की हेल्प से 7 और बनाएंगे,
तो ये लास्ट स्टिच में से क्रोशिया को डालेंगे, एक बार सिलाई पर घुमाएंगे धागे को ऐसे, और इसे हम क्रोशिया की हेल्प से अब ऐसे लॉक कर लेंगे, फिर से घुमाएंगे, दो लॉक करेंगे, तीन, चार, पांच, छः, ये छः, और ये लास्ट सातवां हमने ये वाला ही उतार दिया जो क्रोशिया में है। तो ये देखिए, ये हमारे 10 फंदे हमने इस तरीके से कर लिए हैं। और अब हम जो है फ्रंट साइड की ओर मुड़ के सीधी सीधी सिलाई बनाएंगे। तो मैंने पहला फंदा दूसरी जो लास्ट रो है उसमें स्लिप किया था, तो इसमें भी स्लिप कर लेती हूँ, धागा पीछे करेंगे और ये वाली सारी सिलाई जो है हमने सीधी सीधी बनानी है ऐसे। तो अभी तक सारे फंदे हमने दोनों तरफ से सीधे सीधे बनाने हैं, जब तक हमारा नेक का चार लाइनों का जो है आठ सिलाइयों का बॉर्डर इस तरीके का तैयार नहीं होता है। तो ये सिलाई जो है हम सीधी सीधी बना लेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास ये एक लाइन बनी हुई है। अभी हम इस सिलाई के बाद जो है दो सिलाइयां और सीधी सीधी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे जो है आप ये गार्टर स्टिचेस के दो लाइंस नजर देख रहे हैं। तो अब जो है हमने बनानी तो चार है, लेकिन हम यहाँ पे अब एक बटन होल बना लेंगे। तो बटन होल हम कैसे बनाएंगे, एक फंदा स्लिप करके धागा पीछे करके तीन फंदे हम सीधे बुन लेंगे ऐसे। और अब यहाँ पे हमने जाली डालनी है एक, और दो का करना है ऐसे एक। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है हम सीधा सीधा जब नेक्स्ट रो बुनेंगे तो ये बटन होल क्रिएट हो जाता है। तो अब जो है हमने नेक की चार लाइनें कंप्लीट करनी है। तो दो हमारी बन चुकी हैं और दो और बना लेंगे, तो मैं वो आपको पूरा कंप्लीट बताती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने जो है नेक का जो बॉर्डर होता है वो भी मैंने बना लिया है। इसमें देखिए एक बटन होल है और दूसरी ओर जो है हम बटन लगाएंगे। और जो हमारी अभी फ्रंट साइड जो है कॉलर की चल रही थी, वो आगे जो है वो स्वेटर की रॉन्ग साइड हो जाएगी, और जो रॉन्ग साइड है वो फ्रंट साइड हो जाएगी। तो ये इस तरीके से रखने पर दिखाई देगा। देखिए दोनों बिल्कुल बराबर बने हुए हैं। और इसके बाद देखिए, जब हम इस तरीके से इसे सेट करेंगे तो ये जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होगा तो ये कॉलर बिल्कुल क्लियर विजिबल होगी। तो ये इस तरीके से, और ये जो कॉलर है ये नेक जो हमने बॉर्डर बनाया है नेक का, वो इस तरीके से अंदर की ओर जाएगा और ये ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से हम बटन लगाएंगे ऐसे। तो अब ये वाली साइड हमारी फ्रंट साइड आ जाएगी और ये हमारी कॉलर की फ्रंट साइड ये ऐसे। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा शेप इसने ले लिया है, ये देखिए। तो ये हम इस तरीके से शुरू करेंगे कॉलर को बनाने से। तो ये कॉलर जैसा है ये इसी तरीके से बनेगा, और सबसे पहले हमने कॉलर ही बनाना है और फिर नेक, और उसके बाद जो है आप नीचे रेगलान इंक्रीज में अगर बनाना चाहते हैं तो आप रेगलान इंक्रीज में बना सकते हैं, या कोई फूल पत्ती के डिज़ाइन के साथ अगर फंदे इंक्रीज करना चाहते हैं तो वो उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो कॉलर को बनाने के बाद हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टॉप डाउन चलेगा। और जो हमारी फ्रंट साइड आती है वो देखिए ये इस तरीके से आती है, बहुत अच्छी डिमार्केशन, जो डिमार्केटिंग लाइन होती है वो बनती है इस तरीके से। ये देखिए, तो ये दूसरे वाले में जो है मैंने बटन भी लगाया हुआ है। तो ये हमारा इस तरीके से
अंदर की ओर जाएगा ऐसे, और ये जो है बटन ऐसे आएगा, और फिर इसे हम ऐसे लगाएंगे। तो ये जब प्रोजेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट रेडी होता है तो ये कॉलर बहुत अच्छा जो है वो इस पर बैठता है और बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर बनाइए और बताइए कि आपको कैसा लगा है ये कॉलर और नेक का पैटर्न। तो चलिए फिर मिलते हैं नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप नीडिंग फॉर योर लव्ड वंस। बाय बाय।